Let us discuss about isolator. Isolator का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है? What is the meaning of this word isolator? It is isolating. Okay, isolate करता है. किस चीज को isolate करता है? ये आइसोलेट करता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसको दो पार्ट में आइसोलेट करता है. अगर किसी एक पार्ट में फॉल्ट है, ठीक है, तो फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करता है हमारा रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम से. जो हेल्दी पार्ट है उससे आइसोलेट करता है, ठीक है? या तो इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं. बेसिकली ये काम सर्किट ब्रेकर का होता है कि फॉल्टी सेक्शन को अलग कर दे हमारा हेल्दी सेक्शन से, ठीक है? लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आइसोलेटर जो है हमारे जो सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको दो पार्ट में बेसिकली सेपरेट कर रहा है, ठीक है? अगर फ्लो ऑफ करेंट को स्टॉप करना हो किसी जंक्शन पर, किसी मोमेंट पर, ठीक है, so we can do it with the help of isolator. Okay, it is isolating. Okay, that is a simple meaning. अब हम लोग इसके definitions और literature में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. The isolator is a switch which isolates a part of the circuit from the system as per the requirement. ठीक है, it is basically a switch. Switch का काम क्या होता है? On off, मतलब सर्किट को मेक और ब्रेक करना, ठीक है, सर्किट को ऑन और ऑफ करना, ठीक है? जब ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा. सो बेसिकली आइसोलेटर इज अ स्विच व्हिच आइसोलेट्स अ पार्ट ऑफ द सर्किट. सर्किट के एक पार्ट को आइसोलेट करता है फ्रॉम द सिस्टम, जो अदर पार्ट है जो हमारा, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है. ओके, तो आइसोलेटर मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम एट होम और कमर्शियल प्लेसेस फॉर मेकिंग द सर्किट ऑन एंड ऑफ. ओके, द इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स आर द सेपरेट पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज क्रिएटेड फॉर द सेफ मेंटेनेंस. ओके, अगर हम लोगों को अपने घर में सपोज एमसीबी कोई खराब हो गया हो, ठीक है, और उस एमसीबी को रिप्लेस करना हो, तब क्या करेंगे? हमारा जो मेन मीटर के पास जो बॉक्स है, ठीक है, मेन स्विच जो है, वहां से हमारा वायरिंग आ गया है हमारे एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जहाँ की एमसीबी लगा हुआ है, और उस एमसीबी से फिर फर्दर वायरिंग हमारे ट्यूबलाइट और फैन तक आ रहा है. अगर वो एमसीबी किसी कारण से खराब हो गया और उसे रिप्लेस करना है, तब क्या करना बेटर होगा? पूरे घर का लाइट बंद कर दे हम लोग मेन स्विच से जो मीटर के पास लगा हुआ है, या सिर्फ एक पर्टिकुलर रूम का, जिस रूम के लाइट को जिस रूम के लिए एमसीबी लगा हुआ है, उस रूम के सिर्फ इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम लोग बंद कर दे और बाकी सभी रूम में इलेक्ट्रिक सप्लाई चलते रहे, और तब फिर हम लोग एमसीबी को रिप्लेस करें, यह करना बेटर होगा? दोनों में कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन सर. सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली, ठीक है. हम लोग नहीं चाहेंगे कि एक छोटे से पोर्शन में अगर कोई काम करना हो, मेंटेनेंस का या कुछ, तो उसके लिए पूरे सप्लाई को हम लोग बंद करें. यही काम हम लोग लार्ज स्केल में भी करते हैं, ठीक है, तो ग्रिड में भी आइसोलेटर का ही यूज होता है किसी तरह से, अगर हम लोग हाई वोल्टेज की बात करें वहां पर, ठीक है ना? किसी एक फीडर में अगर कोई फॉल्ट हो, अगर वहां मेंटेनेंस करना हो, सपोज वहां जो सर्किट ब्रेकर या अदर प्रोटेक्टिव पार्ट्स लगे हुए हैं, तो उसके लिए पूरे ग्रिड की सप्लाई को बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस एक सेक्शन को बंद करने की जरूरत है जहाँ की हम लोगों को मेंटेनेंस का काम करना, तो वहां पर भी आइसोलेटर का यूज होता है. वो आइसोलेटर थोड़ा दूसरे डिजाइन का होता है, चूंकि हाई वोल्टेज में डील करना होता है. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट वन, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है जब फाइनली हमें प्रोटेक्शन पड़िएगा तब. अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो
डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पस के लिए, वायरिंग में जो हम लोग आइसोलेटर का यूज करते हैं उसके, ठीक है, बट पर्पस आर सेम, आइदर वी आर यूजिंग एट लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, ठीक है, बेसिक पर्पस इज सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, उस एमसीबी को रिप्लेस करना है अगर फॉल्ट हो गया है तो। वहां पर एमसीबी से पहले एक हम लोग आइसोलेटर यूज करेंगे, ठीक है, वहाँ एक आइसोलेटर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। नॉर्मली ये प्रोविजन किया जाता है वायरिंग में, सो दैट अगर उस आइसोलेटर को हम लोग ऑपरेट करते हैं तो उसके आगे का एक पोर्शन का करंट फ्लो करना वो बंद कर देगा, ठीक है। तो यही इसका बेसिक पर्पस है आइसोलेटर का, इट इज वर्किंग एज ए स्विच, एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और इसको ऑपरेट करते हैं, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, समझ गए इसके बेसिक चीज को। इस डायग्राम से और भी ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था यही है हमारा मेन सप्लाई, ठीक है। इस मेन सप्लाई के बाद हम लोग आइसोलेटर को इंस्टॉल करते हैं, और उस आइसोलेटर के बाद फर्दर एमसीबी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई अपने घर के डिफरेंट रूम्स में या हॉल में कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यही मैं बात कर रहा था कि अगर सपोज इस रूम 3 का जो एमसीबी है, अगर ये डैमेज हो गया है, ये फॉल्टी हो गया है, इसको रिप्लेस करना है, तो इस आइसोलेटर के थ्रू हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस मेन सप्लाई से यहाँ से पैरेलली एक और हमारा कनेक्शन किया हुआ हो, ठीक है, जो कि किसी अदर सेकेंड फ्लोर पर हमारे घर पे जा रहा हो, ठीक है, यहाँ से एक सप्लाई यहाँ हमारा चले गया हो, जो कि यहाँ एक सेपरेट आइसोलेटर और फिर फर्दर एमसीबी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सपोज सेकेंड फ्लोर पर हमारा, ठीक है, यहाँ से एक और मेन सप्लाई से हम लोग थर्ड फ्लोर में, या एक ही फ्लोर का है तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शन में हम लोग सप्लाई किए, फिर आइसोलेटर लगा करके और फिर यहाँ पर एमसीबी लगा करके अलग अलग सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो यही इसका मेन पर्पस है, अगर इसको यहाँ पर ये एमसीबी फॉल्टी हो गया है तो इसको रिप्लेस करना है, तो इस आइसोलेटर को हम लोग ऑपरेट करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, और इसको इजीली हम लोग रिप्लेस करेंगे, सो दैट इस सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर जो हमारा यहाँ से सप्लाई जा रहा है वो कंटिन्यू बना रहे, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर इस आइसोलेटर की जगह हम लोग एमसीबी को लगाते हैं तब क्या होगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इफ यू विल यूज एमसीबी इन प्लेस ऑफ द आइसोलेटर, कोई बताइएगा क्या हो सकता है फिर उस केस में। सोचिए एक बार क्या हो सकता है, एमसीबी का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। अगर इस एमसीबी को रिप्लेस करना है, ये रूम 3 के एमसीबी को, ठीक है, और यहाँ अगर एमसीबी लगा हो, तो इस एमसीबी से हमको पावर सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ से ये करना होगा ना, इस एमसीबी से हम लोगों को पावर सप्लाई ऑफ करना होगा, लेकिन एमसीबी का हमारा मेन पर्पस क्या होता है, फॉल्ट अगर कुछ होता है तो उस केस में ऑपरेट करता है ऑटोमेटिकली, बट आइसोलेटर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं करता है, ये मैन्युअली ऑपरेट करता है आइसोलेटर। अगर कहीं फॉल्ट होगा तो ये एमसीबी ऑपरेट करेगा, ये आइसोलेटर ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है, ये मैनुअली हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ एमसीबी लगा हो आइसोलेटर की जगह, है, तो अगर फॉल्ट आया, अगर यहाँ पर कहीं फॉल्ट आया इस रूम 3 में, यहाँ के सर्किट में, तो ये एमसीबी तो ऑपरेट करेगा ही करेगा। अगर यहाँ पर भी हम लोग एमसीबी इंस्टॉल करेंगे तो ये एमसीबी भी ऑपरेट कर जाएगा, तो
ये हम एमसीवी अगर ऑपरेट किया तो यहाँ भी पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, यहाँ भी पावर सप्लाई बंद होगा। अगर यहाँ इसोलेटर यूज करते हैं तो यहाँ का पावर सप्लाई बंद नहीं होगा, सिर्फ यही एमसीवी ऑपरेट करेगा और सिर्फ इस रूम का पावर सप्लाई बंद होगा हमारा। यही बेसिक जो है डिफरेंस है अगर हम लोग आइसोलेटर की जगह एमसीवी का यूज करेंगे यहाँ। इज इट क्लियर? ओके सर फिर से बताइए ना। ओके तो मेरा क्वेश्चन क्या था, ये क्लियर है? ये सर क्या था सर, आप बोल रहे थे आइसोलेटर के जगह एमसीबी लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आइसोलेटर की जगह एमसीबी यूज करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, एमसीबी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है, ठीक है, अगर कोई फॉल्ट होता है उस केस में। ओके अगर यहाँ पर फॉल्ट हुआ सपोज रूम 3 में, ठीक है, यहाँ पे वायरिंग में अगर कोई फॉल्ट हो गया हमारा, तो इस एमसीबी को ऑपरेट करना चाहिए। एग्री? So, अगर ये एमसीबी ऑपरेट करेगा इस सर्किट में फॉल्ट के कारण और यहाँ आइसोलेटर है, तो ये आइसोलेटर तो ऑपरेट करेगा नहीं ड्यू टू द फॉल्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आइसोलेटर के जगह हम लोग एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है, एमसीबी कनेक्ट कर दिए हम लोग, आइसोलेटर नहीं कनेक्ट किया, ठीक है, कह सकते हैं ना कि एमसीबी को भी मैनुअली मतलब ऑफ कर देंगे, यहाँ एमसीबी को रिप्लेस करना है, ये रूम 3 के एमसीबी कह सकते हैं, या आइसोलेटर क्यों यूज करें, एमसीबी यूज करते हैं, मैनुअली ऑफ कर देंगे और फिर इसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, बट वो कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉल्ट होगा इस रूम 3 में तो ये एमसीबी तो ऑपरेट करेगा ही, साथ ही साथ ये एमसीबी भी ऑपरेट कर जाएगा, तो फॉल्ट करेंट हमारा जो है ना इस एमसीबी के साथ साथ इस एमसीबी को भी वो ट्रिप करा देगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है, डिपेंड करता है कि एमसीबी का रेटिंग क्या है, ठीक है। yes, तो अगर ये भी एमसीबी क्या फिर बोल रहे थे आइसोलेटेड के जगह जो एमसीबी है वो भी ट्रिप कर जाएगा, फिर तीनों रूम का गया। हाँ तो पावर सप्लाई हमारा यहाँ भी नहीं आएगा, फिर यहाँ भी नहीं आएगा, रूम 1 और रूम 2 में भी नहीं आएगा, तो यहाँ एमसीबी लगाने का क्या फायदा हुआ? एमसीबी तो इसलिए लगाते हैं ना कि अगर कहीं फॉल्ट हो तो सिर्फ उसी सेक्शन का हमारा लाइन जो है वो बंद हो और सप्लाई ऑफ हो, ठीक है। यस सर, हमारा जो रिक्वायरमेंट हुआ तो फुलफिल नहीं हो रहा ना, इसलिए एमसीबी यहाँ यूज नहीं करते हैं, आइसोलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइसोलेटर्स है। नॉर्मली आइसोलेटर सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल, फोर पोल, ठीक है, सभी जगह मतलब सभी कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं। और एक बेसिकली आइसोलेटर को पहचानने के लिए एक सिंपल सा एक तरीका है कि इसके जो ये नॉब होते हैं, ठीक है, जिससे कि ऑन और ऑफ करते हैं हम लोग इसको अप और डाउन करके, ये मोस्टली जो भी स्टैंडर्ड कंपनीज होते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर्स है जो भी जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड दैट ये जो है रेड कलर का होता है, ठीक है। अगर रेड कलर का ये इसका नॉब है, ऑपरेटिंग नॉब, तो वो आइसोलेटर है बेसिकली। जरूरी नहीं है बट मोस्टली यही देखने मिलता है, ठीक है। तो इसको दूर से भी हम लोग पहचान सकते हैं ये आइसोलेटर है, अदरवाइज देखने पर तो एमसीबी और अदर जो भी सर्किट ब्रेकर्स है सब एक ही तरह के हैं, ठीक है, माइनर डिफरेंसेस ही है। इस स्लाइड में एक थोड़ा सा
इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी आइसोलेटर का, एमसीबी का, या और भी एमसीसीबी हो, आरसीसीबी हो, ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में भी कह रहा था आज, कि उसके बॉडी पर, ठीक है, ये इस तरह का एक सर्किट बना होता है, ठीक है ना, जिसको कि देख करके पहचान सकते हैं कि वो बेसिकली है क्या, एमसीबी है, आरसीसीबी है, या फिर हमारा आइसोलेटर है, क्या है, ठीक है ना, इसको हम लोग देख के पहचान सकते हैं और उसके रेटिंग से भी हम लोग पहचान सकते हैं। तो ये एक बना होता है नॉर्मली सब तरह का, आइसोलेटर के केस में इस तरह का बना होता है, ये जो और दिख रहा है ना, इस तरह का ये बना होता है, दैट मीन्स ये सिर्फ ऑन और ऑफ काम कर रहा है ना, ये अगर इस तरह से पोल इसका मूव करेगा तो ये ऑन और ऑफ होगा। जबकि एमसीबी के केस में इस तरह का ये बना होता है उसका प्लेट पर ये सर्किट, ठीक है, ये क्या कहता है, ये जो अगर स्क्वायर शेप है तो ये ओवरलोड के लिए ऑपरेट करेगा अगर कनेक्शन इस तरह से करते हैं, और कनेक्शन इसका अगर जो है किस तरह से करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये शॉर्ट सर्किट के लिए ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो इस चीज से भी पहचान सकते हैं कि वो क्या है, अगर वो एमसीबी है, आइसोलेटर है, या कोई और डिवाइस है हमारा। The next one is contactors. Okay, isolator समझ गए क्या होता है? Next हमारा contactor. Contactor क्या है basically? It is also used for switching an electrical circuit. ठीक है, electrical circuit को on or off करने के लिए इसका भी use होता है basically. ठीक है, so it is considered to be a special type of the relay. Special type of the relay. इसको हम लोग कहते हैं, बिकॉज द बेसिक डिफरेंस क्या है रिले और कॉन्टेक्टर में, कॉन्टेक्टर इज यूज्ड इन एप्लीकेशन विद हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी। ये हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको डील करता है, नॉर्मली वहां पर हम लोग कॉन्टेक्टर्स का यूज करते हैं, जबकि रिले का यूज हम लोग करते हैं लो करेंट एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टेक्टर एंड द रिले। कॉन्टेक्टर यूज करते हैं हाई करेंट के केस में और रिले का यूज करते हैं लो करेंट के केस में। कॉन्टेक्टर्स कैन बी माउंटेड इजली एंड दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज एंड दीज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैविंग मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली कॉन्टेक्टर्स जो है ये उसका तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, पहले इसके इस डायग्राम को देख लो ताकि ये चीज को थोड़ा समझने में आसानी हो, कॉन्टेक्टर किस तरह का होता है। कॉन्टेक्टर बेसिकली ऐसा ही होता है, ठीक है, इसमें कॉन्टेक्ट्स होते हैं जहाँ के हम लोग सप्लाई टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये इसका पावर साइड, ठीक है, दैट मीन्स इनपुट साइड, ये हमारा इनपुट साइड का, ये हमारा और ये आउटपुट साइड का, ठीक है, इंटरनली ये कनेक्ट होता है, जो अगर हम लोग वायर को ला करके यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इंटरनली वो यहाँ आउटपुट साइड से कनेक्टेड होता है इंटरनली, ठीक है, और फिर ये हमारा लोड की तरफ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मेन कॉन्टैक्ट्स कहलाता है, ठीक है, जो इनपुट और आउटपुट साइड में, these are the main contacts of the contactors. So contactor में बहुत सारे contacts होते हैं। Contacts basically means कहने का मतलब है terminals, ठीक है? So ये main contacts हो गए, और इसके अलावा auxiliary contacts भी होते हैं बहुत सारे। ये जो दिख रहे हैं, ठीक है? These are the auxiliary contacts. And these auxiliary contacts are basically used for कंट्रोल रिलेटेड कनेक्शंस, ठीक है, जो भी कंट्रोलिंग का कनेक्शन करना हो, किसी स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए,
या कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल केबल्स है, कंट्रोल वायर्स होंगे, वो इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर्स में बेसिकली जो भी कॉन्टैक्ट होता है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक हमारा मेन कॉन्टैक्ट्स जिसको कि पावर कॉन्टैक्ट कहते हैं, इनपुट और आउटपुट साइड जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं, और दूसरा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, या इसको कि हम लोग कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग जो भी कंट्रोल केबल्स होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस और कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कैसा होता है। ठीक है, अब इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को देखते हैं। सिंपल प्रिंसिपल है ये भी। ठीक है, उसके अंदर का कैसा होता है डिजाइन, ये एक हमारा होता है एक बेसिकली एक कॉइल को हम लोग यहाँ पर वोंड करते हैं। ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके ऊपर। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर ये कॉइल हमारा वोंड किया हुआ है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक टर्मिनल जो है यहाँ पर एक छोटा सा स्प्रिंग कंट्रोल करने के लिए होता है, और इसको पिवोटेड होता है ये एक आर्मेचर। ठीक है, जो कि एक मूव करता है, इस तरह से ये मूव कर सकता है हमारा। ठीक है, ये आर्मेचर, और इस आर्मेचर के साथ यहाँ पर क्या कनेक्ट रहता है, इस आर्मेचर के साथ ये इंसुलेशन है। ठीक है, और इस इंसुलेटेड पार्ट के साथ कनेक्ट होता है हमारे ये मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है जो कि कनेक्टेड होता है इसका जो बॉडी होता है। ठीक है, उसके साथ वो फिक्स कॉन्टैक्ट यहाँ पर एक रहता है। ठीक है, अब क्या होता है नॉर्मली, अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा है, जब हम लोग सप्लाई टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिए तब क्या होगा, करंट यहाँ फ्लो करेगा स्मूथली। ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इस तरह से, जो फ्लक्स हमारा होगा, फ्लक्स का पाथ वो इस तरह से होगा, इस आर्मेचर से होते हुए। ठीक है, अब जब कभी फॉल्ट होगा तब क्या होगा, उस केस में करंट हमारा इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, करंट जब इंक्रीज करेगा तब ये जो हमारा है, करंट इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स हमारा इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा इस मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ। ठीक है, और ये जैसे ही ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये भी मूव करेगा जो कि इसके साथ अटैच्ड है, और ये इस फिक्स कॉन्टैक्ट में आकर के टच कर जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही टच करेगा वैसे ही करंट जो है हमारा यहाँ पर भी आकर के फ्लो करने लगेगा। ठीक है, सॉरी, हम स्टार्टिंग में कहे थे कि जब फॉल्ट होगा तब उस समय करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट फॉल्ट नहीं होगा जब हम लोग पावर सप्लाई ऑन करेंगे तब। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन ये एक गैप है, लेकिन जब पावर सप्लाई ऑन करेंगे तब हमारा जो है ये एनर्जाइज हो जाएगा, और ये इस मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से ये मूविंग कॉन्टैक्ट भी जो आकर के टच करेगा इस फिक्स कॉन्टैक्ट को, और करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट करेगा एक एंड से दूसरे एंड पर। ठीक है, जो करंट हमारा यहाँ से फ्लो किया ये इनपुट से लेकर के यहाँ से आउटपुट होकर के जो करंट जा रहा है इसी की बात कर रहा है। ठीक है, जब सप्लाई ऑन किए तब यहाँ से करंट गया, और इसके इंटरनली जो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो आर्मेचर है, ठीक है, उसी तरह का हमारा मूवमेंट होगा पावर सप्लाई ऑन करने पर, और वो कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट में आकर के टच करेगा हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये इसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा इंटरनली, सो दैट करेंट यहाँ से यहाँ तक ये फ्लो करेगा। ठीक है,
तो इसका बेसिक हमारा पर्पस क्या हो गया, सिर्फ पावर सप्लाई को ऑन और ऑफ करने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल के लिए स्लाइड को डाल लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ समझने के लिए किए थे कि इसको हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। सपोज ये एक मोटर है, ठीक है। इस मोटर को हम इसके बॉडी को इस तरह से अर्थ किया हुआ है और सिंगल फेज मोटर है, एक सिंगल फेज है और एक अर्थ है, ठीक है। तो पावर सप्लाई जब हम लोग दे रहे हैं, यहाँ से पावर सप्लाई हमारा इन कर रहा है, ठीक है। ये पावर सप्लाई हमारा आया, उसके बाद पावर सप्लाई इस के थ्रू हमारा आते हुए यहाँ पर कनेक्ट हुआ इनपुट, इस कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट में, ठीक है। और इंटरनली वो कनेक्ट होकर के ये आउटपुट में आया और फिर यहाँ से हम लोग इस मोटर को सप्लाई दिया, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग इस स्टेज में यूज करते हैं, ठीक है। यही मतलब बेसिकली हम समझाना चाह रहे थे इस डायग्राम में, कि कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं सर्किट में, ठीक है। इस स्टेज में हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं सप्लाई यहाँ पर, ठीक है। और ये तो हमारा था प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स, जो कि हम बता रहे थे, ठीक है, जो मेन कॉन्टैक्ट्स है हमारा, ठीक है। और दूसरा बताए थे ऑक्जुलरी कॉन्टैक्ट्स। तो ऑक्जुलरी कॉन्टैक्ट्स कौन कौन सा है, ये वाला जो टर्मिनल्स था, ठीक है, ये ऑक्जुलरी था। और इसका बेसिक पर्पस क्या बताए थे, इसका बेसिक पर्पस था कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इस मोटर को ऑन और ऑफ करने के लिए ये जो हमारा पुश बटन है, ठीक है, इसका कनेक्शन किया हुआ है इसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से, ठीक है। इस फिगर से यही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे थे हम, कि इसका कनेक्शन हम लोग जो है कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, किस स्टेज में कहाँ पर, ठीक है। और इसका मेन कॉन्टैक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम लोग कहाँ पर, क्या पर्पस है, उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। आई थिंक इस फिगर से जो अभी तक बताए थे कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में वो चीज क्लियर हो जा रहा होगा, ठीक है। यस सर। तो इसमें बस फिर से हम रिपीट करते हैं, इसको समराइज करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है हमारा, इसका बेसिक पर्पस क्या है, जस्ट टू स्विच ऑन एंड ऑफ द सर्किट, ठीक है। इसमें जो है कॉन्टैक्ट्स होते हैं हमारे, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसको कि हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेन कॉन्टैक्ट एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। मेन कॉन्टैक्ट का हमारा कनेक्शन जो भी करते हैं वो पावर सप्लाई के थ्रू करते हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का कनेक्शन हम लोग करते हैं कंट्रोल पर्पस के लिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि इस मोटर को ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है, जो भी कनेक्शन किया हुआ है वो हम लोग इसके थ्रू किए हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्टैक्टर्स। नाउ कमिंग टू रिलेज। रिले काफी बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। जब प्रोटेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो फाइनल ईयर में जब पढ़ना होगा स्विच गियर प्रोटेक्शन, तो वहां पर रिले पर मतलब कि दो तीन चैप्टर ही है, दो तीन मॉड्यूल मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिले क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो वो जो रिले है दैट इज बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, ठीक है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिले का जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ रिले, बट बेसिक प्रिंसिपल जो है वो सेम ही है। इसका फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन जो हाई वोल्टेज के केस में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज हो रहा है वहां भी वही है, ठीक है, और यहाँ भी उसका पर्पस वही है अगर हम लोग वायरिंग की बात करें, डोमेस्टिक और कमर्शियल प्लेसेस की बात करें तो, ठीक है। पर
पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है टू डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द फॉल्टी एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, क्या किया ये? फॉल्ट को डिटेक्ट किया सबसे पहले. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द फॉल्ट पहला काम. दूसरा काम, इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर. ठीक है, सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को इनिशिएट करना. फॉल्ट को डिटेक्ट किया और वो एक सिग्नल भेजता है उसके बाद सर्किट ब्रेकर को, सो दैट द सर्किट ब्रेकर विल आइसोलेट द फॉल्टी एलिमेंट फ्रॉम द हेल्दी सेक्शन. ठीक है, तो सेंस करना, सेंस करने के बाद उस चीज को पहचानना कि क्या ये फॉल्ट का ही सिचुएशन है. ठीक है, और फिर अगर वो उसका फाइंडिंग्स आता है कि यस दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ फॉल्ट, देन दिस विल सेंड अ ट्रिपिंग सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर टू इनिशिएट इट्स ऑपरेशन. ठीक है, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा कि यस दिस इज द सिचुएशन ऑफ द फॉल्ट, सो जस्ट ऑपरेट. ठीक है, एम आई क्लियर? बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक चीज है रिले का. सपोज किसी सर्किट से 5 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, ड्यू टू एनी फॉल्ट अगर 5 एम्पियर के बदले वो 6 एम्पियर या 7 एम्पियर करेंट फ्लो करने लगा, तब क्या होगा? ये सेंस करेगा और जो एक रेफरेंस वैल्यू होगा उसका, ठीक है, उससे कंपेयर करेगा वेदर दिस इंक्रीज्ड करेंट इज ग्रेटर देन द रेफरेंस वैल्यू. अगर रेफरेंस वैल्यू सपोज 5.5 एम्पियर है, ठीक है, और करंट जो फ्लो किया वो 6 एम्पियर है, तो ये सेंस कर लेगा यस दिस इज ग्रेटर देन द रेफरेंस वैल्यू, सो इट इज अ केस ऑफ फॉल्ट. ठीक है, यही वो सेंस करता है और फिर उसके बाद वो सिग्नल भेजता है आगे सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने. ठीक है, इसको कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये है इसका बेसिक सर्किट डायग्राम रिले का. ठीक है,